महान कार्य को करने का यही तरीका है कि आप उसे पसंद करें जो आप करना चाहते हैं। स्टीव जॉब्स की यह स्पीच आपको अपनी पसंद का कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इससे यह प्रेरणा मिलती है कि आप जिस काम को पसंद कर रहे हैं उसी को करें। शिक्षा का उच्चतम परिणाम सहनशीलता है। हेलेन केलर की यह स्पीच प्रेरणा देती है कि सहनशील बनकर ही आप शिक्षा की फील्ड में अच्छा कर सकते हैं। छोटा लक्ष्य अपराध है, महान लक्ष्य होना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की यह स्पीच आपको जीवन में कुछ बड़ा लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। इंतजार करने वाले को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की इस स्पीच का मतलब है कि हमें किसी भी चीज का इंतजार नहीं करना चाहिए बल्कि उसे समय से पूरा करना चाहिए। जो कोई भी अपने जीवन में एक बच्चे की मदद करने के लिए कुछ भी करता है वह मेरे लिए एक नायक है। फ्रेड रोजर्स की यह स्पीच उनके लिए जिनसे आप अपने जीवन भर कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। अल्फ्रेड मर्सियर की इस स्पीच से हम यह समझते हैं कि हम चाहे कुछ भी सीखे और उसे याद रखें तो हमें वह कार्य खुशी से करना चाहिए। जीवन सिर्फ पैसा नहीं है। रतन टाटा की यह स्पीच हमें जीवन की तुलना पैसों न करने की सलाह देती है। सुनो सबकी, करो मन की। लोगों को राय देने वालों की कमी नहीं होती है। हर जगह ऐसे लोग मिल ही जाते हैं। ऐसे में आपको सबकी सुननी चाहिए लेकिन करना अपने मन का चाहिए। ऐसी और वीडियोज देखने के लिए लाइक और फॉलो जरूर करें।